Hello everyone, this is Pallavi. You are watching me on Being Pallavi. Welcome back to my YouTube channel. So good morning guys, मैं अभी निकली हूँ morning walk करने. So अभी बज रहे हैं 6 AM हो गया है सुबह के. तो मैंने बताया था ना आपको हर घर में झंडा दिखाई देगा. तो अभी सूरज निकलने वाला है तो मैंने सोचा एक राउंड मार के आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ. एज यू ऑल नो स्लीप प्रॉब्लम, दवाई खा रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है. अभी 1 वीक बाद फिर से मुझे बुलाया है डॉक्टर ने, तो जाना पड़ेगा. 1 वीक शायद हो भी गया है. मैं कब गई थी डॉक्टर के पास, ट्यूजडे को गई थी क्या? तो आज 6 डे है. और नहीं, आज 7 डे पूरा होने वाला है. तो मैं कल जाऊँगी शायद, 1 वीक पूरा हो जाएगा, कल जाऊँगी. तो कल मुझे बुलाया है थेरेपी के लिए, तो कल से मेरा थेरेपी सेशन स्टार्ट होगा. मतलब बहुत अलग ही एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ. आई होप कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ. अब देख सकते हो सूरज निकलने वाला है. सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, इतना फ्रेश लगता है मॉर्निंग वॉक करने में. आप भी करो. अभी तो गर्म हुई, अभी तो समर आ गया है. सुबह सुबह गर्म हो ही जाता है क्योंकि धूप आ ही जाता है. सुबह सुबह दोपहर वाला धूप आ जाता है. तो जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी उजाला भी हो जाता है सुबह, और रात को शाम को देर से अंधेरा होता है. जैसे कि विंटर में जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, सुबह जल्दी जल्दी हो जाता है, तो अभी उल्टा होता है. तो मैं आपको थोड़ा जब उस दिन जो मैं गई थी आई थी इस शॉर्टकट से, मम्मी मुझे लेके आई थी डॉक्टर के पास, आपने देखा होगा. तो वो रास्ता मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ. ये था वो रास्ता, एंड ये जो फील्ड है, ये फील्ड से हम लोग पार करके आए थे. ये मस्जिद है, ये मस्जिद आप देख सकते हो, हमारे विश्वनाचार्य का मस्जिद. और ये इस मस्जिद का फ्रंट साइड भी मैंने जब मैं फर्स्ट डे डॉक्टर दिखाने गई थी तब मैं आपको दिखाई थी, जो कि बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ है. क्योंकि कल है ईद, आज वेडनेसडे है ना, कल थर्सडे है, थर्सडे को है ईद. तो ये जो है मस्जिद बहुत ही सुंदर से सजाया हुआ है इसका फ्रंट. उस साइड से हम लोग आए थे, आप देख सकते हो उस साइड से हम लोग आए थे. अगर आप अच्छे से देखोगे अभी भी दिखाई देगा, वो हमें पूरा सजा के रखा है. कल ईद है ना, और यहाँ में सूरज को भी आप देख सकते हो. आज भी धूप बम्पर देने वाला है. लेकिन मैंने बोला ही था आपको हर घर में आपको झंडा दिखाई देगा, झंडा ही झंडा है. ये रहा ये घर में, हर घर में बाहर झंडा ही झंडा है. तो आप लोग के घर के बाहर भी झंडा है कि नहीं, वो भी कमेंट करके बता देना. सो गाइस, मैं अभी घर भी पहुंच गई हूँ. 1 घंटा हो गया है, 6 बजे निकली थी, 7 बज गए हैं. पूरा पसीना हो गया है, मतलब ऐसे ही स्पीड में वॉक किया है ना, और धूप भी आ गया है. अभी और नहीं होगा मॉर्निंग वॉक, और भी पहले उठना पड़ेगा, 5 बजे ऐसे उठना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा 2 घंटा जैसे हो पाएगा. लेकिन 1 घंटा भी काफ़ी है. तो योगा से ज़्यादा मैं मॉर्निंग वॉक ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि बॉडी पूरा आपका, जो कि जिस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही थी इतने दिन से, मैं चल नहीं पा रही थी, तो अभी मॉर्निंग वॉक के द्वारा चल पा रही हूँ. मैं घर पहुँच गई हूँ. घर घुस के फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ. एंड आज शायद बहन आएगी, उसका बीहू का छुट्टी है, छुट्टी मिला है. तो बीहू में तो छुट्टी सबको ही मिलता है, तो उसको भी मिला है. तो आज शायद वो आएगी, आज जब आएगी तब आपको मैं मिलाऊंगी. अभी बज रहे हैं 11. मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके, सुबह का जितना भी काम है वो सब करके, अभी नहा धो के कपड़ा वपड़ा जितना भी था धो के सब कुछ सेट करके अभी आई हूँ, मतलब फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करने. तो अभी मैं दवाई खाऊंगी, सुबह का खाली पेट का अभी तक दवाई नहीं खाया, वो खाऊंगी. और हर दिन की तरह आज भी मम्मी ने मेरे लिए रख दिया है यहाँ पे बादाम काजू एंड चना, तो ये भी खाऊंगी. एंड आप लोग भी ये खाओ, डाइट जो लोग करते हैं, अच्छा डाइट. घर का खाना तो एकदम, मतलब बाहर का खाना तो छोड़ ही दो, घर का खाना ही खाओ. सुबह सुबह उठ के चना जो सोख किए हुए पानी भी, मैंने सुबह ही पी लिया था, सोख किया हुआ पानी भी रखा था मम्मी ने. तो वही है कि रात को चना सोख करके रख दो, सुबह जो पानी होगा उसका वो पानी पियो, एंड चना भी मतलब पियो.
पियो, सॉरी खाओ, तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं अभी वो कर रही हूँ, सुबह डेली खा रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने बताया मेरे साथ क्या हुआ है उसका फुल स्टोरी मैं आज शायद शूट करूँ कि नहीं करूँ वो सोच रही हूँ, क्योंकि ना ऐसे बैठ के आप लोगों से बात करने के लिए मतलब ऐसा वक्त ढूंढ रही हूँ जबकि पूरा सन्नाटा हो, और वो चीज़ रात को ही होता है। लेकिन रात को क्या होता है, आपको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा वीडियो का, क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है प्रॉपर, इसलिए मुझे दिन को ही बनाना पड़ेगा। और दिन को आप अभी भी सुन सकते हो, बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ आ रहा है। तो वही मैं सोच रही हूँ कैसे कब बनाऊँ, लेकिन वीडियो बनाऊँगी एंड आपको स्टोरी ज़रूर बताऊँगी कैसे क्या होगा। इसमें अभी बना रही हूँ फ्राइड राइस, कल का बचा हुआ जो राइस था उससे मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ। हो रहा है, इसमें मैंने आलू ऐड किया है, प्याज ऐड किया है, और सोच रही हूँ जो मैंने सूख करके मम्मी ने मेरे लिए रखा है ये, इसको भी डाल देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो इसको भी मैं डाल दिया, इसको भी मिक्स कर लेती हूँ एंड खाने के बाद आपको बताऊँगी कि कैसा लगा, कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हो कि नहीं। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, देखने में इतना यम लग रहा है ना, मैं खा के बताऊँगी आपको कैसा लगा खा के मुझे ये। जो सोख किए हुए चना और बादाम और काजू था उसको भी मैंने डाल दिया है, वैसे तो रॉ खाना चाहिए लेकिन मैंने डाल दिया, थोड़ा फ्राई किया है, खा के देखते हैं कैसा लगता है। सो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। आप लोग मैं सुना लंच बनाने के लिए मास्क पहन रही हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मास्क पहन रही हूँ। सो गाइस अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। लंच में आज मैं बनाऊँगी ये शूट की मांस जो कि मैंने भिगो के रखा है, इसको फ्राई करके इसका करी बनाऊंगी। करी में जाएगा ये बैंगन, आलू, टमाटो, मिर्ची, प्याज, इसी से मैं बनाऊंगी। तो मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ बना के। हु इज हियर? कौन दिन है छुट्टी? कल के जाऊँगी। कल के जाबी गया क्लास के लिए गया इसमें? जैसे कि मैंने बोला था बहन आएगी, तो बहन आ चुकी है, तो उसको पानी दे देती हूँ। अभी तक आप लोगों ने फ्रिज में पानी रखा है कि नहीं, मतलब फ्रीजिंग कर रहे हैं कि नहीं पानी, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अभी तक हम लोगों ने तो फ्रिज में पानी रखा ही नहीं, मतलब फ्रीजिंग पानी पी नहीं रही है। मैं तो गर्म पानी पीती हूँ सुबह सुबह और वो ही चल जाता है, नॉर्मल पानी पीती हूँ, फ्रीजिंग का पानी पिए ही नहीं अभी तक। लो अपन पूरा रूम छतर पत्थर करेगी। मेरा यहाँ पे हो रहा है करी जो कि मैंने दिखाया था आपको, ये ना काला काला क्यों हो गया पता है, जब मैंने फिश को फ्राई किया था ना वो थोड़ा जल गया था, इसलिए कढ़ाई भी काला काला हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ही है, बस देखने में ऐसा हुआ है। लेकिन कैमरा में ना ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन असली में ऐसा नहीं है। तो आज का लंच हमारा यही है, छुटकी मांस का करी एंड राइस। और यहाँ पे अभी बहन मुझे सिखा रही है स्टेथोस्कोप यूज़ करना। सुन बीपी वैसे चेंज कराऊंगा तो क्या? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एल्को केंदे नर्सर चेक करे कान बैठा है, कैसे ढुका है काने?